गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, यानी आइडियल कंपटीशन एकेडमी वाराणसी से, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस अपडेट करते हैं, वो भी मॉर्निंग में सुबह 4 बजे ही। और आज हम लोग 31 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। केरल मीडिया एकेडमी द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट मीडिया व्यक्ति के रूप में किसे चुना गया है? ए रविश कुमार, बी अंजना ओम कश्यप, सी एन राम, डी राजदीप सरदेसाई। तो आंसर सी एन राम इज योर करेक्ट आंसर। हिंदू समूह के अध्यक्ष एन राम को केरल राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए चुना गया है और यह अकेडमी केरल मीडिया अकेडमी का 40वां वर्षगांठ समारोह है और जिसके तहत इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और मूर्तिकला देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा मार्च में एक मीडिया सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री मार्जन सारेक ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? ए सऊदी अरब, बी स्लोवेनिया, सी नॉर्वे, डी सर्बिया। ऑप्शन बी स्लोवेनिया इज योर आंसर। प्रधानमंत्री मार्जन सारेक एक स्लोवेनियाई राजनीतिक अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। 2018 के बाद स्लोवेनिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नमामि गंगे मिशन के तहत 5 दिवसीय गंगा यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। तो नमामि गंगे मिशन, जो कि 5 दिवसीय गंगा यात्रा है, शुरू हुई है बी उत्तर प्रदेश में, और यह 5 दिवसीय गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के बिजनौर बलिया से शुरू हुई है। और इसका उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर से यह यात्रा शुरू की है। यहाँ से इसको हरी झंडी दिखाई है और बिजनौर, जहाँ से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, वहीं से यह यात्रा शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित यात्रा का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना और पवित्र नदी के किनारे स्थित गांवों को अधिक विकसित और समृद्ध बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गति पोर्टल लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी, डी योगी आदित्यनाथ। तो गति पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, जो कि केंद्रीय भूतल, सड़क परिवहन और लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं, और इन्होंने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया है गति, और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा तैयार किया गया है। यह पोर्टल तैयार किया गया है NHAI द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 62वें ग्रैमी में दिए गए पुरस्कारों के आधार पर निम्नलिखित का मिलान करें। इधर के ऑप्शंस देख लेते हैं। बैड गाई बिली इलिश, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Eager Tyler, The Creator, Billie Eilish। इधर के ऑप्शंस हैं बेस्ट रैप एल्बम, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, एल्बम ऑफ द ईयर। अब आपका आंसर होगा 5 का D, यानी 1 का C, 2 का A, 3 का D और 4 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया है? ए कानपुर, बी श्रीनगर, सी भोपाल, डी गांधीनगर। तो सिक्स का आंसर है डी गांधीनगर, जो कि गुजरात का एक शहर है। वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का तीसरा संस्करण है ये, जो कि गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। और इस सम्मेलन का सहयोगी देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड इस सम्मेलन का सहयोगी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? ए उत्तराखंड, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। 7 का होगा ए उत्तराखंड। उत्तराखंड ने आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के मुन्नन सिंह को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। और इस पुरस्कार के तहत एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और व्यक्तिगत विजेता के रूप में उन्हें एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2018-19 में सब्जी उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो 2018-19 में सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ओप्पो ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी हैदराबाद, सी आईआईटी ग्वालियर, डी आईआईटी कानपुर। तो ओप्पो ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी हैदराबाद से के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य कैमरा तस्वीर को प्रोसेस करने, बैटरी, 5G नेटवर्क और कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगले 2 साल में कई परियोजनाओं पर शोध और विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, कोबी ब्रायंट जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वह किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, डी हॉकी। कोबी ब्रायंट जो कि बास्केटबॉल प्लेयर हैं, कोबी ब्रायंट अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन सुपर स्टार भी हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में NBA कहते हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से संबंधित हैं। तो ये थे आज के हमारे 31 जनवरी 2020 के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।